तो कोरोना के मरीज ना ऐसे दुत्कार दिए जाते हैं ना, मैंने बहुत देखा यार। मैं नहीं जानता था कि इतना दुर्गति होने वाली है, मैंने बहुत देखा, समझ गए? मैंने देखा तो मेरा रूह कांप गया। और आप लोग के बीच फिर उसी रफ्तार में जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ किशोर तिवारी निकलता है, वही नजर आएगा। जय जय सियाराम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाला यह युवक अब हमारे बीच नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हर हर महादेव के नारे के साथ गरीबों का पेट भरने वाले सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कांत तिवारी ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। जिंदगी और मौत की जंग से जूझते किशोर कांत ने कुछ ही दिन पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल से एक लाइव वीडियो किया था। खराब स्वास्थ्य के बीच बिस्तर पर पड़े पड़े वीडियो में किशोर कांत ने कोरोना संक्रमण को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया था। पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चल रहा है और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखे। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। सड़कों पे दौड़ रहा हूँ 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में न लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है। मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले किशोर कांत बनारस में लंका के पास महेश नगर कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। 2017 में उन्होंने वाराणसी में रोटी बैंक खोलकर गरीबों का पेट भरना शुरू किया था। साथियों को साथ मिलकर किशोर कांत शहर में शादी विवाह, तिरही, बर्थडे पार्टी या अन्य मांगलिक कार्यों में बचे भोजन को जुटाने के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर गरीबों को बांटते थे। पिछले साल लॉकडाउन में भी वह नहीं रुके और ना जाने कितने लोगों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराई थी। दुनिया अपने अपने बारे में सोचेगी। बताइए, 24 मार्च का लॉकडाउन लगा, अस्पताल में कोई खाना बांट नहीं जाता था डर के मारे कि कोरोना पकड़ लेगा। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत जुटाया, पूरे बनारस के अस्पतालों में खाना पहुंचाया पूरे। हम लोग को डर नहीं सता रहा था कि कोरोना हो जाएगा। महादेव सब ठीक करेंगे भैया, हर काली रात के अद उजाला होता है। बताइए तो प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का हमदर्द बनिए। इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का हमदर्द बनना बहुत जरूरी है। किशोर बीते कुछ दिनों से बीमार थे। लाइव में उन्होंने खुद के टाइफाइड से ग्रस्त होने की जानकारी दी। दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। वह पहले घर पर थे, हालत अधिक बिगड़ने पर उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दो दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनकी हालत और भी खराब होती गई और गुरुवार को आखिरकार उनकी सांसें थम गईं। अपने इस वीडियो में किशोर ने बनारस और देश में कोरोना की स्थिति को बयां किया है। कोरोना मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और बेगाना रवैया अपनाने वालों पर भी वे नाराज हुए। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही हद से अधिक सावधानी बरतने की गुजारिश की। अपन दुखवा तो लोग से कैसे कहें, हम झेल रहे हैं जो चीज ना, वो आप लोग कभी ना झेले। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जो चीज मैं झेल रहा हूँ, मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए। किशोर कांत कोरोना की भयावहता और मरीजों के दर्द को बयां करते हैं। वह मरीजों की दुर्गति की, दशा की, दर्द की, रूह कपा देने वाले अनुभव के बारे में बताते हैं। तो कोरोना के मरीज ना ऐसे दुत्कार दिए जाते हैं ना, मैंने बहुत देखा यार। मैं नहीं जानता था कि इतना दुर्गति होने वाली है, मैंने बहुत देखा, समझ गए? मैंने देखा तो मेरा रूह कांप गया। वह विश्वास जताते हैं कि महादेव के नारे के साथ एक बार फिर से सबके बीच आएंगे, लेकिन किशोर जिंदगी की जंग हार चुके हैं। आप लोग की कृपा से, आप लोग की मुस्कुराहट से मेरी सांसें भी
और मेरी मुस्कुराहट भी बनी रहे, मैं ही कहना चाहूँगा। और जल्द ही मैं स्वस्थ हो जाऊँगा और आप लोग के बीच फिर उसी रफ्तार में जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ किशोर तिवारी निकलता है वही नजर आएगा। जय जय सियाराम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चलिए मैं भी अब आप लोग उसको नमस्कार करूंगा और जाते जाते बस यही कहूंगा भाइयों कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, काम हो तो एक हफ्ता सप्ताह का सामान घर में खरीद के रख लें, बार बार घर से बाहर न जाएं, बच्चों को कतई बाहर न जाने दें। आज भले ही किशोर हमारे बीच में नहीं है लेकिन जाते जाते वह सिस्टम को आईना दिखा गए हैं और हमारे आपके लिए छोड़ गए हैं एक बड़ी सीख।